से आरजेडी के प्रत्याशी और पूर्व सीएम लालू प्रसाद की बेटी मिसा भारती ने पीएम मोदी को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। मनेर में मिसा भारती ने कहा कि हम लोगों पर लोग परिवारवाद और भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं। अगर जनता ने देश में इंडिया अलायंस की सरकार बनाने का मौका दिया तो प्रधानमंत्री से लेकर बीजेपी के नेता जेल के अंदर होंगे। इस पर बीजेपी नेता और बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने पलटवार करते हुए कहा कि जो लोग डरे सहमे हैं उनकी आवाज निकल रही है। चपरासी क्वार्टर में रहने वाले लोग आज महलों में रहते हैं। एक एक चीज का हिसाब देना होगा। कौन जेल में होगा यह चुनाव के बाद पता चलेगा। तो देखिए मिसा भारती का यह विवादित बयान सामने आया है और उनका यह कहना है कि अगर जनता ने देश में एंटी अलायंस की सरकार बनाने का मौका दे दिया तो प्रधानमंत्री से लेकर बीजेपी के नेता जेल में होंगे। किसानों की आय दुगनी करने की हम बात कर रहे हैं, हमें एमएसपी लागू करने की बात कर रहे हैं, तो तुष्टिकरण नजर आ रहा है। आज बेटे के लिए वोट मांगने गए थे, परिवारवाद पे बोले तो बंद हो गया प्रधानमंत्री का। इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड पे कौन जवाब देगा? बताते हैं वो हमारे परिवार पे आरोप लगाते हैं भ्रष्टाचार का, जानते हैं कितना बड़ा भ्रष्टाचार है। अगर देश की जनता ने कहीं हमें मौका दे दिया इंडिया गठबंधन को, प्रधानमंत्री से लेकर के जितने भी भाजपा नेता है जेल के अंदर बंद। बस इतना ही आश्वासन, डरे सहमे लोगों की आवाज ये निकल रही है। यही लोग ना है जो चपरासी क्वार्टर में रहते थे, आज महलों के राजा कैसे बन गए? ये मॉल से लेके फार्म हाउस तक कैसे पहुंच गए? हिसाब देना पड़ेगा। और कौन जेल में है, कौन बेल में है और किसकी भविष्य क्या होगी ये बस चुनाव के बाद पता। देखिए मिसा भारती का बयान सामने आता है और उस पर पलटवार डिप्टी सीएम विजय सिन्हा करते हैं कि चुनाव के बाद देखिए कि कौन जेल में होता है और कौन बाहर होता है तो बाद में पता चलेगा। तो देखिए लोकसभा चुनाव की सरगर्मी के साथ साथ जो बयान है उसकी भी सरगर्मी बढ़ी हुई है और ऐसे में नेता ऐसे भी बयान दिए जा रहे हैं जो बयान विवादित कह सकते हैं। मिसा भारती ने ऐसा बयान दिया कि अगर एनडीए गठबंधन की सरकार बनती है तो मोदी के साथ साथ जो बीजेपी के नेता हैं उनको भी जेल में डाल देंगे। वहीं विजय सिन्हा ने भी कहा कि चपरासी क्वार्टर में रहने वाले लोग आज महलों में रहते हैं, जरा उनसे भी पूछिए और एक एक चीज का उन्हें हिसाब भी देना होगा और कौन जेल में होगा या चुनाव के बाद पता चलेगा, ये विजय सिन्हा कह रहे हैं। तो चलिए एक बार फिर से मिसा भारती का बयान और उसके बाद से विजय सिन्हा का पलटवार भी आपको सुनाते हैं। किसानों की आय दुगनी करने की हम बात कर रहे हैं, हमें एमएसपी लागू करने की बात कर रहे हैं, तो तुष्टिकरण नजर आ रहा है। आज बेटे के लिए वोट मांगने गए थे, परिवारवाद पे बोले तो बंद हो गया प्रधानमंत्री का। इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड पे कौन जवाब देगा? बताते हैं वो हमारे परिवार पे आरोप लगाते हैं भ्रष्टाचार का, जानते हैं कितना बड़ा भ्रष्टाचार है। अगर देश की जनता ने कहीं हमें मौका दे दिया इंडिया गठबंधन को, प्रधानमंत्री से लेकर के जितने भी भाजपा नेता है जेल के अंदर बंद। बस इतना ही आश्वासन, डरे सहमे लोगों की आवाज ये निकल रही है। यही लोग ना है जो चपरासी क्वार्टर में रहते थे, आज महलों के राजा कैसे बन गए? ये मॉल से लेके फार्म हाउस तक कैसे पहुंच गए? हिसाब देना पड़ेगा। और कौन जेल में है, कौन बेल में है और किसकी भविष्य क्या होगी ये बस चुनाव के बाद पता चलेगा।